आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग स्मूथ ट्रांजिशन रील वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को एडिट करने वाले हैं कैपकट ऐप में। तो कैपकट इंडिया में बैन है, तो आपको किसी भी वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। मैं सुपर वीपीएन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं। एंड जो भी गाइस आप वीपीएन यूज करेंगे वो वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना होगा। तो मैं सुपर वीपीएन पे टैप करके इस वीपीएन को पहले तो ओपन कर लेता हूँ। एंड अगर आप भी इसे यूज करना चाहते तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, तो गाइस आपको ऐड को स्किप कर देना है। एंड फिर आपको यहाँ से कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, तो गाइस आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। एंड जब आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा तो आपको इस ऐप से बैक कर लेना है। एंड अब आपको गाइस कैपकट ऐप पे क्लिक करके आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना होगा। देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से गैज आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बना लेना होगा। एंड वो प्रोजेक्ट में गैज आपको वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। एंड वो वीडियो में गैज आपको जहाँ पे भी स्प्लिट करना होगा एंड जो भी क्लिप आपको यूज़ करना है आपको इस तरीके से क्लिप को बना लेना है। मैंने गैज ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हूँ। एंड म्यूजिक को भी गैज आपको ऐड करके रख लेना है। तो मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड फिर उसके बाद गैज आपका जो भी आपका सेकंड क्लिप होगा तो आपको सेकंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है। सेकंड क्लिप के गैज आपको स्टार्टिंग पार्ट पास आ जाना है। एंड यहाँ पे गैज आपको की फ्रेम को ऐड कर लेना है। एंड ये क्लिप के गैज आपको एंडिंग में भी आपको की फ्रेम को ऐड कर लेना है। एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में गैज आपको इस तरीके से जूम इफेक्ट बना लेना है। एंड देन गैज आपको यहाँ पे कर्व का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। यहाँ से गैज आपको कर्व को सेलेक्ट करना है एज इन 3, तो मैं इस कर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गैज आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड इसी तरीके से गैज आपको सेम प्रोसेस को अप्लाई करके आपको हर एक क्लिप में इसी तरीके से एनिमेशन को बना लेना होगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गैज आपको ये जो नेक्स्ट क्लिप का स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ पे आपको की फ्रेम को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद गैज आपको इस क्लिप के एंडिंग पार्ट में भी आपको की फ्रेम को ऐड कर लेना है। एंड देन गैज आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आपको इस तरीके से जूम इफेक्ट बना लेना है। एंड अब आपको गैज इसमें कर्व को ऐड करना होगा। तो कर्व को ऐड करने के लिए आपको कर्व वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको फिर से एज इन 3 कर्व को सेलेक्ट करके राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड इसी तरीके से गैज आप फिर से सेम प्रोसेस को अप्लाई करके जितने भी आपका क्लिप होगा तो आपको इसी तरीके से की एनिमेशन बना लेना है। एंड उसके बाद गैज आपको की एनिमेशन में कर्व को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड जब गैज आप की फ्रेम को ऐड कर लेंगे एंड कर्व को भी ऐड कर लेंगे तो अब आपको गैज स्टार्टिंग में आ जाना है। एंड यहाँ से गैज आपको बैक कर लेना है। एंड बैक करने के बाद आपको गैज इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद गैज आपको यहाँ से वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन ये आपका थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद गैज आपको यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे गैज आपको काफ़ी सारे इफेक्ट दिखेंगे, तो यहाँ पे गैज आपको सुपर लार्ज स्पॉट इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन गैज आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद गैज आपको इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड इसका वैल्यू गैज आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग रखना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू गैज आप देख सकते हैं 1 सेकेंड रख रहा हूँ। एंड उसके बाद गैज आपको इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड देन गैज आपको एडजस्ट पे क्लिक कर लेना होगा। एंड अमाउंट को भी गैज आपको 100 कर लेना है। इंटेंसिटी को भी गैज आपको 100 कर लेना है। एंड बाकी सारा सेटिंग गैज जैसा है वैसा ही रहने देना है। एंड देन आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। एंड अब आपको गैज इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड देन आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, तो गैज आपको कॉपी पे क्लिक कर लेना है। एंड इसका वैल्यू गैज आपको इस तरीके से छोटा कर लेना है इस इफेक्ट का। इस इफेक्ट को गैज आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्लिप जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पे ले आना है इस तरीके से। एंड फिर गैज आपका इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा।
एंड उसके बाद गाइस आपको फिर से ये इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है एंड कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड अगर गाइस आपको फिर से इसको कॉपी करके नेक्स्ट क्लिप जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इस इफेक्ट को जाके आपको ले आना है। एंड फिर से गाइस आपको ये इफेक्ट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट क्लिप जहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पे गाइस आपको इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से गाइस आपका जो भी क्लिप होगा आपको हर एक क्लिप के पास आपको ये इफेक्ट को अप्लाई कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देता हूँ एंड अब आपको गाइस स्टार्टिंग में चले आना है एंड यहाँ से गाइस आपको फिर से वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा एंड फिर आपको यहाँ पे लेंस का ऑप्शन दिखेगा तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे गाइस आपको हल्का सा स्क्रॉल करना होगा एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे शार्पन एज एक इफेक्ट मिलेगा तो आपको इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है एंड देन गाइस आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है एंड इस इफेक्ट को गाइस आपका वीडियो का ड्यूरेशन जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेना है एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ से एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस एडजस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको ब्लर का वैल्यू जितना है उतना ही रहने देना है एंड उसके बाद गाइस आपको शार्पन का वैल्यू इंक्रीज कर लेना है एंड इसका वैल्यू गाइस आपको 74% कर लेना है एंड आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जितना में भी अच्छा लगेगा आपको उतना वैल्यू इंक्रीज कर लेना है एंड देन गाइस आपको साइज का वैल्यू आपको इंक्रीज करके 17% कर लेना है एंड देन आपको यहाँ से नीचे में स्क्रॉल करना है। बाकी सारा सेटिंग गाइस आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड जब आपका इतना सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से गाइस आपको स्टार्टिंग में चले आना है एंड फिर उसके बाद गाइस आपको जहाँ से भी आपका सेकेंड क्लिप स्टार्ट हो रहा होगा आपको वहाँ पे चले आना है एंड देन आपको यहाँ से गाइस ओवरले पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे ऐड ओवरले का ऑप्शन आएगा तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है एंड देन गाइस आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना होगा एंड फिर गाइस आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो यहाँ से गाइस आपको एक वाइट इमेज को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन गाइस आपको वाइट इमेज को ऐड कर लेना होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन गाइस आपको इस इमेज को साइज को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है पूरे फुल स्क्रीन में एंड फिर गाइस उसके बाद आपको ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है एंड यहां से गाइस आपको हल्का सा स्क्रॉल करना होगा। देन आपको यहां पे गाइस सॉफ्ट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है एंड फिर गाइस आपको इसका वैल्यू आपको 30% कर लेना है तो मैं यहाँ पे 30% कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइस आपको राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है एंड ये जो गाइस आपका व्हाइट बैकग्राउंड है आपका सेकंड क्लिप जहाँ तक है वहाँ तक आपको एडजस्ट कर लेना है एंड देन गाइस आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है एंड फिर गाइस आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस तरीके से कॉपी कर लेना है एंड फिर से गाइस आपको कॉपी कर लेना है एंड इसी तरीके से गाइस आपको कॉपी करके जहाँ तक भी आपका क्लिप होगा वहाँ तक आपको इस तरीके से बैकग्राउंड को गाइस आपको ऐड कर लेना होगा एंड जब गाइस आपका इतना सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो आपका बन जाएगा एंड अब इस वीडियो को गाइस गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर में एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है एंड देन गाइस आपको यहाँ से सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो ये वीडियो बन